नमस्कार, मैं विवेक रोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एक्टिव न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। आगरा शहर भूरे साहब बाबा की दरगाह पर कुछ समय से चल रहा था विवाद। क्षेत्रीय पार्षद, जनता का कहना है कि यह दरगाह काफी पुरानी है और यहां पर काफी उर्स बनाया जाता है। पार्षद जरीना बेगम और क्षेत्रीय जनता 2 फुट का रास्ता मांग रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं रेलवे के अधिकारियों से क्षेत्रीय जनता से DRM अधिकारी रंजन यादव को ज्ञापन दिया। रेलवे अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि आपको 2 फुट का रास्ता दिया जाएगा। आज किस विषय में आपने जो ज्ञापन दिया है DRM महोदय को, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो सदियों पुरानी जो भूरे साहब वहाँ पे 2 फीट का रास्ता था सिर्फ आने जाने के लिए पब्लिक के लिए, वो भी बंद करने की कह रहे थे, मगर सब लोगों ने मिलके आज ये निर्णय लिया कि रेलवे मंडल आयुक्त के पास जाएंगे, उनसे परमिशन लेंगे एंड उसने उन्होंने परमिशन हमें दे दी। तो इसलिए वी आर वेरी मच थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने हमारी दरगाह के लिए, हमारी पब्लिक के लिए अंदर दरगाह में जाने का रास्ता छोड़ा। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा और सबसे बड़ी जो हमारे आज क्षेत्र के सभी जाति समुदाय के लोग आए हुए हैं, हम भगवान का ईश्वर का नाम लेके चले थे कि दूसरा भगवान मंडल आयुक्त है, हमें न्याय मिलेगा। तो हमारे बीच हमारे BJP के पंडित जी साहब ने और हमारे एक नौजवान भाई ने हमने मंडल आयुक्त साहब से बात की, तो हमने उनमें शिकल का एक रूप देखा, तो उन्होंने हमारी सुनवाई की। हम उनके आभारी हैं और उनसे पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमें एक धार्मिक स्थान पर जो सभी जाति समुदाय के लोग आते हैं। आज जो समस्या थी वो क्या मामला था वो उसके बाद? ये समस्या ये थी कि सदियों पुरानी हजरत भूरे साहब बाबा की दरगाह रसूलपुर सराय ख्वाजा डॉनी यार्ड में है स्थित है। कल समस्या ये थी कि कल 3 बजे तक रेलवे अधिकारियों ने ये कहा कि हम 4 फुट का रास्ता इसमें गोल सराउंडिंग में दे देंगे। उसके बाद स्थिति ये पैदा होती है कि 3 बजे के बाद हमारी क्षेत्र की जनता, हमारे क्षेत्र के निवासी सब चले जाते हैं। उसके बाद रेलवे अधिकारी ये कहते हैं कि हम तो रास्ता नहीं देंगे जी, क्यों नहीं देंगे जी, सदियों बरसों आदि आदि काल से वो दरगाह है, आपने हम देखते चले आ रहे हैं मुगल टाइम से। आपने अधिकारियों को अवगत कराया या कोई ज्ञापन वगैरह दिया आपने? दरअसल क्या था कि अधिकारी वहां पर आए थे, इसके अलावा हमने पहले एप्लीकेशन वगैरह लगाई थी, उसकी तो हमें नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं किया। आगरा से इमरान खान की रिपोर्ट।